200 करोड़ रुपए की मराठी फिल्म इंडस्ट्री की 3 फिल्में इस बार कॉन फिल्म फेस्टिवल में जा रही हैं। हाल ही में इनमें से 2 ने तो नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी काफी कामयाब रही है। ऐसे में एक मीडिया संस्था ने देश की 4 प्रमुख रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की हालत पर गौर किया तो पता चला कि भोजपुरी फिल्मों की संख्या 50% कम हो गई है। तो वहीं गुजराती इंडस्ट्री को 25% का घाटा हुआ है, वहीं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री फायदे में है। इसका सालाना कारोबार 250 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बाजार पिछले 5 साल में काफी कम हुआ है। इस इंडस्ट्री में आए बदलावों के बारे में भोजपुरी के महानायक कहे जाने वाले चर्चित अभिनेता कुणाल सिंह कहते हैं कि 5 साल पहले जहां भोजपुरी में फैमिली ड्रामा वाली फिल्में बनती थी, वहीं हाल के दिनों में मनोरंजन हावी हो गया है। वो कहते हैं कि 5 साल पहले इंडस्ट्री जितनी तेज से बढ़ गई थी, अब वो स्थिर हो गई है। 5 साल में फिल्म बनने की संख्या तेजी से कम हुई है। वो कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज का सिनेमा बिना सरकार की मदद के पनप नहीं सकता। बिहार सरकार द्वारा इस इंडस्ट्री को पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सरकार से मदद नहीं मिलने के कारण आज भी मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती। फिल्मों की संख्या 5 साल में कम से कम आधी हो गई है। पहले जहां 100 से 150 तक फिल्में बनती थी, वहीं अब 50 से 60 फिल्में ही बनती हैं। वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ने के कारण भोजपुरी फिल्मों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। पहले ये 75 लाख के आसपास होती थी, अब ये 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। 5 साल में भोजपुरी फिल्मों का बाजार भले कम हुआ हो, लेकिन भोजपुरी के स्टार्स की फीस काफी बढ़ी है। फिल्म के बजट का 70% तक एक एक स्टार को दिया जाने लगा है, मगर बाकी आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस और मजदूरों की फीस काफी कम हो गई है। कुणाल कहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा की बदहाली का एक ही कारण ये भी है कि लोगों को भ्रम हो गया है कि स्टार ही फिल्म को चलाता है, जबकि फिल्म को हिट कराने में पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।